YouTube चैनल टुडे वी आर स्टडीइंग लाइकेंस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइकेंस। अधिकांश बच्चों को लाइकेंस के बारे में पता नहीं होता, लेकिन आज इस वीडियो में मैं लाइकेंस का आपको जनरल फीचर बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं लाइकेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, टर्म्स गिवन बाय, मतलब लाइकेंस का टर्म सबसे पहले किसने दिया। साइंटिस्ट का नाम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो लाइकेंस का टर्म सबसे पहले दिया था थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट ने, और थियोफ्रास्टस के बारे में आपको पता होगा कि फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं। तो वहां पर कई बार नाम आया था, तो नाम आया था थियोफ्रास्टस का। थियोफ्रास्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। बॉटनी का पितामह कौन है? तो बॉटनी का पितामह थियोफ्रास्टस है, और इसी थियोफ्रास्टस ने टर्म्स दिया है लाइकेंस का। फिर आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ लाइकेंस, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, लाइकेंस का अध्ययन करते हैं, लाइकेंस पर स्टडी करते हैं, उसको अंग्रेजी में हम लोग लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेनोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी करना, जहां पर हम लोग लाइकेन का स्टडी करते हैं उसी को हम लोग लाइकेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी का पितामह कौन है? तो उस साइंटिस्ट का नाम आप नोटिस कर सकते हैं, इरिक एक्रियस। मैं लिखा हूं इरिक एक्रियस को हम लोग फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लाइकेंस के अंतर्गत फंगी और एल्गी दोनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं लाइकेंस में टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। लाइकेंस के अंदर फंगी और एल्गी के कैरेक्टर क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो उसका मेन रीजन है लाइकेंस के अंदर टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं एल्गल कंपोनेंट्स, जिसमें एल्गी प्रेजेंट है, जिसके अंदर एल्गी के टोटल कैरेक्टर है, उसको अंग्रेजी में हम लोग फाइटोबियोंट कहते हैं। याद रहे इसको, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को जानना बेहद जरूरी है। व्हाट इज फाइकोबियोंट? फाइकोबियोंट्स का मतलब जिसमें क्या होगा, केवल एल्गी के कैरेक्टर ही प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइकोबियोंट कहते हैं। लेकिन फंगल और लाइकेन में फंगल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होती हैं, और जिसमें फंगस के कैरेक्टर प्रेजेंट हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियोंट। मतलब देख सकते हैं लाइकेंस एक ऐसा, मैं कह सकता हूं कि लाइकेंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगी और एल्गी दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, क्योंकि इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एल्गल कंपोनेंट्स और फंगल कंपोनेंट। इसलिए डीबेरी ने इसको सिम्बायोसिस कहा। हिंदी में हम जानते हैं लाइकेंस सहजीवता का एक प्रमुख एग्जांपल है। सिम्बायोसिस एसोसिएशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन है, लाइकेंस क्यों है? क्योंकि डीबेरी ने देखा कि लाइकेंस के अंदर एल्गी और फंगी दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है, और दोनों एक साथ रहकर एल्गी के अंदर क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। अब क्यों करते हैं, तो उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंतर्गत क्यों रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होगा एल्गल कंपोनेंट्स, लाइकेंस के अंदर जो क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, और फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करती है, और इस कार्बोहाइड्रेट से ये लाइकेंस में प्रेजेंट फंगल कंपोनेंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन इसके बदले इनमें प्रेजेंट जो फंगल कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करके एल्गल कंपोनेंट्स को देता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मैं लाइकोन को डीबेरी ने क्या कहा, सिम्बायोसिस एसोसिएशन कहा, क्योंकि दोनों के अंदर एक साथ रहने की क्या है, कैपेसिटी है, और एक साथ रहकर एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि क्रॉम्बी एक ऐसा साइंटिस्ट है, एक ऐसा साइंटिस्ट था, क्रॉम्बी एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने एक लाइकेंस पर क्या दी, हाइपोथेसिस दी, मतलब लाइकेंस से रिलेटिव एक अवधारणा दिया।
उन्होंने लाइकेन एसोसिएशन के लिए हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन की हाइपोथेसिस दी, क्योंकि स्क्रॉम्बी ने एक ऐसा हाइपोथेसिस दिया जिसको हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन भी कहते हैं। आपको पता होगा कि एक फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ का एक मेजर रोल होता है। हस्बैंड अगर अपर हैंड है तो उसकी वाइफ क्या होगी, लोअर हैंड होगी। सिंपल से पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि एक ही सिक्के की ये क्या होते हैं दोनों, एक ही सिक्के के दो क्या होते हैं, पहलू होते हैं। सिंपल सी बात हम पढ़ चुके हैं, लाइकेंस के अंदर क्या होती हैं, फंगल फिलामेंट्स और एल्गर फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं। फंगल फिलामेंट और एल्गर फिलामेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए इसको देखते हुए क्रॉम्बी नामक साइंटिस्ट ने क्या कर लाइकेन एसोसिएशन के लिए जो हाइपोथेसिस दिया उसको हस्बैंड एंड वाइफ हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनमें प्रेजेंट जो फंगल पार्टनर होती है उसका मेजर रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और फंगल पार्टनर के बारे में समझा चुका हूं, इसमें क्या है, फंगल फिलामेंट और एल्गर फिलामेंट है, और इन दोनों फिलामेंट का उसमें क्या होगा, बहुत बड़ा रोल होगा। इसीलिए इसको हम लोग हेरोटिज्म के नाम से भी जानते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज हेरोटिज्म, तो सिंपल आपको हेरोटिज्म का मतलब पता होना चाहिए कि लाइकेंस में प्रेजेंट फंगल फंगल कंपोनेंट्स और एल्गर कंपोनेंट्स को ग्रुप को हम लोग हेरोटिज्म भी कहते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जितने भी लाइकेंस होते हैं उसमें ग्रोथ बहुत स्लो होता है, क्योंकि जितने भी लाइकेंस होते हैं उनमें क्या होती है, ग्रोथ करने की कैपेसिटी बहुत क्या होती है, स्लो होती है। स्लो होने के कारण से मैं कह सकता हूँ इसके अंदर क्या दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अगर हम लोग नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं फंगल कंपोनेंट्स के आधार पर लाइकेंस का क्लासिफिकेशन, फंगल कंपोनेंट्स के आधार पर लाइकेंस का हम लोग क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन आप नोटिस कीजिए एस्कोलाइकेंस, नंबर नेक्स्ट आप नोटिस कीजिए बेसिडोलाइकेंस। मतलब फंगल कंपोनेंट्स के आधार पर लाइकेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर वन क्या होगा एस्कोलाइकेंस, नंबर नेक्स्ट क्या होगा बेसिडोलाइकेंस। तो एस्कोलाइकेंस हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास एस्कोमाइसिटिस, तो जितने भी एस्कोमाइसिटिस क्लास के फंगी होते हैं और उस फंगी में जो लाइकेंस प्रेजेंट होगा वो एस्कोलाइकेंस के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन जितने भी क्या होंगे हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिडोमाइसिटिस, क्लास बेसिडोमाइसिटिस और क्लास बेसिडोमाइसिटिस के अंतर्गत जितने भी क्या होंगे फंगी होंगे और उसके अंदर जितने भी लाइकेंस होंगे उसको हम लोग बेसिडोलाइकेंस कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं एस्कोलाइकेंस। तो एस्कोलाइकेंस में फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटिस का ही मेंबर्स हैं। सिंपल सी बात है, एस्कोलाइकेंस जितने होंगे तो एस्कोलाइकेंस में जो फंगल पार्टनर होगा वो हमेशा एस्कोमाइसिटिस का ही मेंबर होगा, क्योंकि ये क्लास एस्कोमाइसिटिस से क्या करती है, बिलोंग करती है। मोस्टली जितने भी क्या होते हैं एस्कोलाइकेंस, जितने भी मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर जितने भी लाइकेंस होते हैं वो एस्कोलाइकेंस ही है। आपको पता होना चाहिए जितने भी लाइकेंस, समथिंग 80% लाइकेंस होते हैं वो एस्कोलाइकेंस ही होते हैं। उसके बाद पता होना चाहिए एस्कोलाइकेंस में एल्गर पार्टनर, जितने भी एस्कोलाइकेंस होते हैं उसमें एल्गर पार्टनर ग्रीन एल्गी का मेंबर्स हैं। एस्कोलाइकेंस के अंतर्गत जितने भी क्या होते हैं एल्गर पार्टनर होगा वो ग्रीन एल्गी का क्या होगा, मेंबर्स होगा। कभी कभी इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, क्योंकि एस्कोलाइकेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एस्कोलाइकेंस के अंदर जितने भी क्या है एल्गी है वो क्या है, ग्रीन एल्गी का ही क्या है मेंबर्स। तो ग्रीन एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टर्बुक्सिया। टर्बुक्सिया एक ऐसा क्या है, ग्रीन एल्गी है टर्बुक्सिया, और मैं लिखा हूँ प्लूरोकोकस ईटीसी। दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए ग्रीन एल्गी का मेंबर्स, नंबर क्या होगा टर्बुक्सिया और प्लूरोकोकस एक ऐसा लाइकेंस है जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स होते हैं। फिर मैं लिखा हूँ बेसिडोलाइकेंस। तो सिंपल सी बात है बेसिडोलाइकेंस मतलब जितने भी क्या होते हैं बेसिडोलाइकेंस होते हैं उनमें फंगल पार्टनर हमेशा क्या होगा बेसिडोमाइसिटिस का ये क्या है मेंबर्स है, क्योंकि ये क्या है बेसिडोलाइकेंस है, मतलब ये बेसिडोमाइसिटिस का ही क्या होगा मेंबर्स होगा। और इनमें बेसिडोलाइकेंस में जो जितने भी एल्गर पार्टनर होते हैं ये हमेशा ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इसमें क्या था जितने भी एस्कोलाइकेंस थे उनमें हम कह सकते हैं जितने भी क्या थे यहाँ पे क्या थे एस्कोलाइकेंस थे उसमें एल्गर पार्टनर क्या था ज्यादातर ग्रीन एल्गी था, बहुत कम क्या था ब्लू ग्रीन एल्गी था। लेकिन जितने भी क्या होते हैं बेसिडोलाइकेंस होते हैं उसमें एल्गर पार्टनर क्या होगा ब्लू ग्रीन एल्गी ही होता है, इसमें ग्रीन एल्गी नहीं होता। तो कुछ एग्जांपल ब्लू
ब्लू ग्रीन एल्गी का, जैसे कि नॉस्टक और इनाबिना। नॉस्टक और इनाबिना जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आती है। बहुत इजी पॉइंट्स मैं आपके बीच डिस्कस किया हूँ और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के लिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं जितना हो सके मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ढंग से पढ़ोगे, अगर ईमानदारी से अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। डिस्कस करते हैं लाइकेन्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अर्थात लाइकेन का आर्थिक महत्व। और जितने भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मैं जो हिंदी में जो नोटिस किया हूँ उसको आप लोग अंग्रेजी में नोटिस कर सकते हैं, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करूंगा आप हिंदी चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्यों ना हो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन्स में क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जितने भी लाइकेन्स होते हैं उसका यूज हम लोग करते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में, मतलब फूड मटेरियल के रूप में हम लोग लाइकेन्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पता होना चाहिए, प्रयोगशाला में लिटमस पेपर किससे बनाते हैं, तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी लेब होते हैं लेब में हमने लिटमस पेपर देखा है, तो लिटमस पेपर को हम लोग किससे बनाते हैं, तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। तो रोसेला नामक लाइकेन्स का, रोसेला एक ऐसा लाइकेन्स है जिसका यूज लेबोरेटरी में लिटमस पेपर के फॉर्मेशन में किया जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए असनिया नामक लाइकेन, असनिया भी क्या है, एक लाइकेन्स है जिसका यूज करके हम लोग एंटीबॉडी बनाते हैं। और एंटीबॉडी का अर्थ आपको पता होगा, ये एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो असनिया एक ऐसा लाइकेन्स है जिसका यूज हम लोग एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डायरिया, काली खांसी, पीलिया ये डिजीज का नाम है, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइकेन्स का यूज करके हम लोग मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। तो डायरिया, काली खांसी और पीलिया जैसे रोगों के इलाज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइकेन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट परमेलिया सेक्सटिलिस एक लाइकेन्स है, परमेलिया सेक्सटिलिस एक ऐसा लाइकेन्स है जिसका यूज हम लोग मिर्गी के रोग को ठीक करने के लिए हम लोग करते हैं। तो मिर्गी जैसी जो बीमारी होती है, मिर्गी जो डिसीज होती है, उस डिसीज को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, किससे, तो परमेलिया सेक्सटिलिस लाइकेन्स। फिर आपको लास्ट पॉइंट पता होना चाहिए आइसलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस की लाइकेन्स है, इसका यूज स्वीडन तथा आइसलैंड में केक बनाने में किया जाता है। बहुत सिंपल टॉपिक है लाइकेन्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो याद रहे हम लोग किंगडम फंगी पर डिस्कस कर चुके हैं। तो किंगडम फंगी का पूरा मैं जनरल फीचर, किंगडम फंगी के जितने भी क्लास होते हैं, किंगडम फंगी में जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं, और लास्ट पॉइंट में लाइकेन्स डिस्कस किया हूं। इसी के साथ साथ ये पूरा यूनिट कंप्लीट होता है। अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ वीडियो अगर कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, उस नंबर से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व आप पूछ सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, 1586 लिखा हूं, 6264-1586 या 6266-941586, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके कहीं पर भी डाउट हुआ होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।